साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार केशव। जो पोस्ट में सर वो स्कीम है किसान विकास पत्र, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी, कितने पीरियड के लिए होती है? मुझे मैं 10 लाख डालने की सोच रहा हूँ इसमें जी, तो इसके बारे में क्या ये स्कीम जो है टैक्सेबल होती है सर? थैंक यू। किसान विकास पत्र केशव जी टैक्सेबल होती है, एग्जेम्प्ट तो नहीं होता। इसका जो ब्याज हर साल मिलता है, जैसे आपने देखा होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, वो एक्यूमुलेटेड फॉर्म में जब मेच्योर हो जाता है तो आपकी उसको मेच्योरिटी वैल्यू मिलती है। उसका रूल ये होता है कि हर साल इंटरेस्ट अक्रू होता है जो आपको अपनी टैक्स में दिखाना भी होता है। 5 साल इसकी मियाद होती है, अगर मैं ठीक 10 इयर्स एंड 4 मंथ्स। हाँ 10 ईयर, सॉरी, जो डबल, हाँ 10 साल 4 महीने। थैंक यू रवि और अमित मेरे को करेक्ट करने के लिए। 10 साल इसकी मियाद होती है, आप 10 लाख इसमें डालना चाहते हैं। पर केशव जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आप सारा का सारा ये आपकी जमा पूंजी है या ये आपकी जमा पूंजी का कुछ हिस्सा है? तो अगर ये जमा पूंजी का कुछ हिस्सा है फिर तो ठीक है, पर सारी की सारी जमा पूंजी एक ही विकल्प में नहीं डालनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत होती है डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। तो मैं आपको सलाह दूंगा इसको 2-3 चीजों में आप स्प्रेड करें, पोस्ट ऑफिस की ही, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से एडमिनिस्टर होता है, और भी स्कीम्स हैं, आप 2 लाख 3 लाख 2-3 स्कीम्स में छांट छांट के उसको डाल सकते हैं। पर अगर आपका जमा पूंजी का कुछ अंश है तो फिर आप जरूर किसान विकास पत्र डालें, बहुत ही प्रशंसनीय है। जी